अरे बड़े सरकार, बड़े सरकार नमस्ते, छोटे सरकार आए लागी। क्यों गोपाल, सो रहा था क्या? सो नहीं रहा था सरकार, सोच रहा था पिछले साल का गोलमाल पक्के खाते में किस हिसाब में दिखाऊं। बकवास बंद कर। कर दिखा। कुबेर, हाँ टूट गया क्या तेरा? हाँ से छूट गया था पाशी जी। बदमाश। हरिओम गोपाल दास जी, वकील साहब का टेलीफोन आया था? आया, मगर वो नहीं आ रहे, तबीयत कुछ गड़बड़ है, आते ही आपको टेलीफोन करने के लिए कहा है। ओ, अच्छा तो मैं जरा टेलीफोन करके आता हूँ। हरिओम। सरकार सरकार सरकार, नाश्ता तैयार है? हम भी तैयार है, बड़ी भूख लगी। भूख भूख हर वक्त भूख, इस पेटू का और कोई बात सूझती ही नहीं। बकासुर है बकासुर। ए गोपाल, मेरे सरकार किसान में कुछ कहा ना तो तेरे मुंह को तंदूर बना दूंगा, समझा? समझ गया भैया, समझ गया। चलिए ना पाशी जी। हाँ हाँ चलो, चलिए चलिए। हाँ वकील साहब, आप तो शुक्रवार को आ रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट है। हाँ विनोद, विनोद यही है। बिस्किट, लालत दाल पे लाल है। चार पूरी और चार जलेबी। जलेबी गुड़ की ढीली नहीं। बहुत उम्दा। अरे तू भी यही खाने लगा? भीम, तेरी अकल कहां मारी गई? देखता नहीं ये बदतमीजी कर रहा है। कैसी बदपरहेजी? क्या मैं बीमार हूँ? कितनी जोर की भूख लगी है। यही बीमारी है, तुझे कुछ हो गया तो? भूख लगना बीमारी है? हाँ। तब तो तुम मुझसे ज्यादा बीमार हो। कैसे ठूस ठूस के खा रहे हो? हरिओम हरिओम हरिओम। मामा जी पाशी जी, पाशी जी मुझे खाने नहीं देते। अरे मेरे बेटे, ये जो कुछ भी करता है तेरी भलाई के लिए करता है, तेरा भाई है ना। ऐसे होता है भाई, जो बात बात में मुझे मारता। मैंने कब तुझे बार बार मारा? हाँ तूने दवा पीने से इनकार किया तो मारा। डायरी के लिए कितनी बार नहीं मारा, कुछ भी मांगता हूँ तो मारने लगते हैं। हरिओम। बेटे पाशी को मैं समझा दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मामा जी कल से मुझे पेट भर खाने को मिलेगा? अरे कल से क्यों बेटे, अभी लो। भीम, विनोद बाबू के लिए पूरी कचौरी जलेबी सब ले आओ। बस बेटा सिर्फ इतना बता दो कि डायरी कहाँ है। बताता पहले खा लो फिर। हाँ हाँ बेटा पेट भर के खा लो। बेटा अब बता दो डायरी कहाँ है। डायरी याद करूंगा। नींद आ रही है बाबूजी। आप जितना इसे बेटा और मुन्ना कहता रहेंगे उतना ही ये बेटा हाँ भी बंद करता रहेगा। आज मैं इसे डायरी का बेटा गुगल में करके छोड़ूंगा। बाबूजी राइट
वो डायरी किधर है? मामाजी, 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 बचा, किधर है डायरी? मामाजी बचाइए! मैं नहीं जानता वो डायरी का, मुझे नहीं मालूम मामा जी, मामा जी नहीं मालूम। मामा जी, मामा जी, कुछ नहीं मालूम वो डायरी कहाँ है। आशी मुझे भागल कुत्तों की तरह मार रहा है। मामा जी उसे रोकिए, मामा जी उसे रोकिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप ही मेरे माता पिता, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मामा जी मेरा कोई नहीं। मामा जी मुझे बचा दीजिए। मामा जी भैया नहीं मालूम, रुक रुक। क्या कहीं मर तो नहीं गया? नहीं मरा नहीं, बेहोश है। अरे ओम, अच्छा इसे शहर के बंगले में ले जाओ और अपने डॉक्टर से इसका इलाज कराओ। जग्गू गोपाल हे भगवान, चल्ला तूने मालिक का क्या हाल कर दिया। मिस्टर विजय अब कोई खतरा नहीं, ऑपरेशन कामयाब है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और देखो कम से कम 20 दिन तुम्हें मां को हॉस्पिटल में रखना होगा। जी हाँ, जैसा आप कहेंगे। पिताजी, पिताजी कहां से लाऊं वो डायरी, कहां बताऊं उसे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, कुछ भी तो याद नहीं रहा। पिताजी अब ये सितम और नहीं सह जाते, मुझे भी अपने पास बुला लो पिताजी, मुझे भी अपने पास बुला लो। विनोद, विनोद मैं विजय, विजय विजय तुम आओ अंदर आओ बैठो। माँ कैसी है, ऑपरेशन हो गया? जी यही खुशखबरी सुनाने आया हूँ, माँ अच्छी होकर घर आ गई। आपका ये उपकार मैं 100 जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। ऐसा कौन सा उपकार कर दिया मैंने? तुम्हें जरूरत थी, मेरे पास रुपए थे, दे दिए। मेरी धन दौलत उस कमीने पाशी के कब्जे में जाने से तो अच्छा है तुम जैसे भले आदमियों के काम आ जाए। खैर छोड़ो इस बात को, विजय अपनी माँ के दर्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं, चलो अभी चले। इस वक्त नहीं, इस वक्त तो माँ जी सो रही होंगी, कल आइएगा जरूर। अरे हाँ मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया, मेरा मकान शहर के पीछे जो गणेश जी का मंदिर है ना उसके बिल्कुल पीछे, कल जरूर आइएगा, मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। अच्छा मैं चलूं, नमस्कार टाटा। कल विजय के घर जाऊंगा और माँ के दर्शन करूंगा, माँ के दर्शन करूंगा। अरे विनोद तुम इतनी रात को,
बात क्या है? भूत भूत विजय, भूत कहाँ है? भूत विनोद, ये सब तेरा भ्रम है। नहीं विजय, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, वो भूत कोई और नहीं, मेरी राधा की आत्मा है। राधा? राधा कौन? वो बिचारी मेरी नाइंसाफी का शिकार हो गई। तुम और नाइंसाफी? हाँ विजय, मुझ में और राधा में प्रेम किया, छिपे छिपे शादी कर ली, वो बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं अपने इस संबंध को सबके सामने ना कह सका, मेरी बुजदिली की वजह से राधा ने खुदकुशी कर ली, तब से उसकी रूह हमेशा मेरा पीछा करती रहती है। काश काश मैंने उन शैतानों की परवाह न की होती तो मेरी राधा मुझसे इस तरह न छिनती। कौन है वो शैतान? है तो यमदूत, एक मेरा मामा और उसका लड़का पाशी। ये पाशी कौन है? मेरे मामा का लड़का प्रकाश चंद, मामा उसे प्यार से पाशी कहते हैं, एक रंगा गीदड़ और दूसरा शिकारी कुत्ता। मेरे पिताजी मरते समय मेरा हाथ विश्वासघाती मामा के हाथों सौंप गए। अब मामा और उसका बेटा पाशी बेरहमी से मार पीट कर मेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना रहे हैं, पिताजी की डायरी के लिए सताते हैं, और तुम ये सब चुपचाप से लेते हो? कैसे मर दो तुम? हाँ, मामा ने एक दवा पिला पिला कर डब्बू बना दिया है, मैं उनकी परछाई से भी डरता हूँ, मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कहीं चला जाऊँगा विजय, वहाँ रहने से तो मौत ही अच्छी है, मौत ही अच्छी। अरे अरे विनोद, लगता है तुम डर गए, लेकिन अब डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आओ अंदर मेरे साथ चलो। लो पानी पी लो। ये मेरी माँ है। माँ, माँ, माँ। ये बार बार मामा क्यों कह रहे हो? विजय, माँ को पाकर तुमने सब कुछ पा लिया, और मैं कितना बदकिस्मत हूं कि माँ को देखा तक नहीं। अब माँ को देखकर ऐसा लगता है मानो करोड़ों देवताओं के दर्शन हो गए। और ये मेरी बहन मुन्नी है, एकदम सोने की मूर्ति। और ये हमारे इष्ट देव भगवान शंकर। विजय, यहां भगवान भी है, मां भी है, बहन भी है, क्या मैं यहां रह सकता हूं? इस झोपड़ी में? ये झोपड़ी नहीं, मंदिर है। मेरे लिए झोपड़ी स्वर्ग है, और वो महल नरक, सोने का पिंजरा। यहां रहकर मैं उन जल्लादों के शिकंजे से छूट जाऊंगा। विजय, मेरी इतनी विनती मान लो। विजय, ठीक है विनोद, लेकिन अगर वो लोग ढूंढते हुए तुम्हें यहां आ गए तो? बाप रे बाप, तब क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह वहां रहूं। शायद इसीलिए भगवान ने हमें एक जैसी सूरत दी। नहीं विजय, नहीं, तुम और उस नरक में। विनोद, मेरी मां की जान बचाकर तुमने इस कुटिया की खुशियां बात की, मैं उस नरक को तुम्हें स्वर्ग बनाकर ही सौंपूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। विनोद, डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। आओ हम लोग कपड़े बदल लें और एक दूसरे के घर की जानकारी हासिल कर लें। हाँ आओ। अरे वाह, अब तुम बिल्कुल विजय बन गए, लेकिन बालों में थोड़ा सा फर्क है। लो अब वो भी ठीक हो गए। देखो, मैं अपनी मां और बहन को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, वे मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं, उनका ख्याल रखना। अब वो तुम्हारी ही मां बहन नहीं, मेरी भी मां बहन है। अच्छा, मैं चला।